आप अपना वेट जो है वो हर मंथ 1 to 2 kg लूज करते जाएंगे और इस डाइट के साथ न्यूट्रिएंट और जो हेल्थ को है वो बेटर करते जाएंगे इंटरनली रिकवर करने में, इंटरनली हील करने में। ओके, तो इसमें प्रोटीन की बात आ रही है तो क्या क्या सोर्सेज होते हैं हमारे पास? हमारे पास अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरा मुश्ताक, आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड IVF काउंसलर। मैं गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड IVF काउंसलर काम कर रही हूँ। आज हमारा टॉपिक है पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस। इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि जिन खवातीन का वज़न प्रेगनेंसी के बाद जो है कम भी नहीं होता और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोस्ट प्रेगनेंसी 6 मंथ में आपकी डाइट हेल्दी रहे और इसके साथ साथ आप किस तरह वज़न भी कम करेंगे कि आपको वीकनेस भी ना हो और आपकी डाइट भी हेल्दी जाती रहे और जो भी आपके और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप उनसे दूर रहें। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को क्लियर करना है कि प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है वो नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन जो प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन होता है वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी प्रेगनेंसी के बाद तो सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुई वेट गेन होना ही होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी डाइट पे, जो आप पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट ले रहे हो, आप क्या खा पी रहे हो कि जो आपको वेट गेन की तरफ तो लेके जाएगा, इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशन जो आती जाती हैं। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो वेट गेन हो जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी, कोई भी नॉर्मल आपका हुआ है सेक्शन या सी सेक्शन हुआ है, उसके बाद अगर आप वेट गेन करते जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को जहन में बिठा लें कि इसके बाद आप कहें कि जी मैं बाद में वज़न कम कर लूँगी, बाद में फोकस कर लूँगी, तो फिर आपका वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें जो अपनी जर्नी है ना अभी से स्टार्ट करनी होती है कि देखें जैसे कि सी सेक्शन हुआ है उसके बाद या नॉर्मल डिलीवरी उसके बाद क्या खाना पीना है। पहले तो एक पी प्रेशर होता है कि जी बड़ों का होता है, जैसे पुराने ज़माने में था कि जी ये खाना है, ज़्यादा देसी घी और बहुत ज़्यादा खाना, पंजीरियाँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा फॉर्म में दिए जाते हैं और हर चीज़ खिलाई पिलाई जाती है। और एक प्रेशर भी होता है लेडी पे कि जी नहीं खानी है, ना खाओगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके बारे में आपको गाइड करूंगी। तो पहले की अगर आप बात करें ना कि पहले की जो खवातीन थी पहले ज़माने की, वो भी तो खाती थी देसी घी बहुत बहुत ज़्यादा, उसको आटे में डाल के, उसको रोटी में पका के और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और वैसे इवन दूध में डाल के दिया जाता था और बहुत ज़्यादा फैट दी जाती थी। आप एक बात जहन में रखें, वो ज़माना और ये ज़माना बहुत डिफरेंट है। ऑर्गेनिक था सब कुछ, ठीक है, उसके साथ साथ उन लोगों की फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। अब क्या है, हमें बहुत ज़्यादा फूड सोर्सेज ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक ही नहीं है, उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिससे हम जो है वेट गेन जल्दी कर लेते हैं और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्या खाना पीना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि पोस्ट प्रेगनेंसी, मतलब अगर सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो हम सबसे पहले जो हमारा एक सवाल होता है वो ये होता है, हम डॉक्टर साहब हम क्या खाएं पिएं। तो सबसे पहला जो आपका मील होता है ना, ऑलमोस्ट आप कहें 70-80% लोगों का फर्स्ट मील आफ्टर एनी सर्जरी क्या होता है, चाय बिस्किट। अब बिस्किट क्या है, मैदा है, उसमें रॉ एग है, उसमें गंदा ऑयल है, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, ठीक है, और चाय इस्तेमाल की जाती है जो कि बहुत गलत है। सबसे पहले आपको आफ्टर सर्जरी स्टेप बाई स्टेप चलना है। सबसे पहले जो है आप क्लियर लिक्विड डाइट, ठीक है, जिसमें आपका वाटर आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका हनी वाटर आ जाता है, जिसमें आपकी ग्रीन टी आ जाती है, क्लियर लिक्विड डाइट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सेमी लिक्विड, फिर हम सॉफ्ट, और फिर हम जो है अपनी नॉर्मल ग़िज़ा की तरफ जाएंगे। 3 दिन जो आफ्टर सर्जरी आफ्टर सी सेक्शन होते हैं उसमें सबसे पहले क्लियर लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, जैसे जिसमें ऑप्शन आ जाते हैं पानी का या
जो है उसमें शहद मिला के या ग्रीन टी, उसके बाद जो है जूस आ जाता है। अच्छा, जूस आपने ख्याल रखना है पल्प वाला जूस ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर हम नहीं देंगे कि उसमें जो है फाइबर से मे बी आपको ब्लोटिंग का, गैस का इशू हो सकता है। तो आपने जैसे एप्पल जूस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपका लिक्विड कोई भी किसी भी फॉर्म में है या कोई भी खाने वाली चीज़ है आपकी, वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। 3 दिन आपने इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी में जो हीट होती है वो बहुत लो हो जाती है। तो मेक श्योर कि आपके कोई भी पीने वाला पानी है, जो भी जूस है या खाना है, तो वो आपका गर्म होना चाहिए और ठंडा नहीं होना चाहिए। अब सॉफ्ट डाइट में क्या ऑप्शन आ जाते हैं, सेमी लिक्विड जो डाइट है, ठीक है, सेमी लिक्विड में आपके ब्रोथ आ जाते हैं, आप चिकन ब्रोथ ले सकती हैं, ठीक है। चिकन ब्रोथ आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे, मटन जो बीफ है, जो फिश है, इसको हम लेटर ऑन लेके चलेंगे, क्योंकि हमें जो है डाइजेशन अब्सॉर्प्शन का इशू होता है, तो हम सॉफ्ट मिलेंगे। तो आपका सूप आ जाता है जिसमें आप स्टार्च बिल्कुल भी नहीं डालोगे, स्टार्च ऐड नहीं करनी ब्रोथ के साथ साथ। और प्रोटीन, क्योंकि हमने लेनी है प्रोटीन का, और हम सोर्स देखें तो मूंग की दाल, मूंग की दाल जो है आप इसको बॉयल्ड वेजिटेबल्स के साथ ले सकते हो, ये जो है वो अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी है और ईजिली जो है डाइजेस्टेबल भी होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 3 डेज क्या डाइट होनी चाहिए। 6 मंथ तक मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी एक्सरसाइज है जिसको करके आप 6 महीनों में, जिससे आपकी हेल्थ भी बरकरार रहे, आपका वेट भी कम होता रहे और आपको कोई जो और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। जैसे कि हम सबसे पहले डाइट की बात करेंगे, तो डाइट में आपका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, आपका लंच क्या होना चाहिए, आपका डिनर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो है 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारी बॉडी को इस टाइम किस चीज़ की नीड है, प्रोटीन की, विटामिन्स की, कैल्शियम की, ना कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा जो फॉर्म में लेते हैं उनकी नहीं है, हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। इन पर प्रायोरिटी क्या है, प्रोटीन हमारी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑलमोस्ट बाहर से तो हम देखते हैं कि ओके हमारा जो भी हमारी सर्जरी हुई है, सेक्शन हुआ है, वो जी हील हो गया, हम एक्सटर्नली देख लेते हैं, लेकिन जो इंटरनल हीलिंग है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक होती रहती है। और ऑलमोस्ट 6 मंथ का पीरियड होता है जो इसको लगता है उसको इंटरनली रिकवर करने में, इंटरनली हील करने में, ओके। तो इसमें प्रोटीन की बात आ रही है तो क्या क्या सोर्सेज होते हैं हमारे पास, जो गुड प्रोटीन के सोर्सेज हैं उसमें अंडा, फिश, मटन, मिल्क और बीफ भी आ जाता है, और वेजिटेबल्स जो सोर्सेज हैं जिसमें बीन्स, लेंटिल्स और भी सोर्सेज आ जाते हैं, और ड्राई नट्स की बात करें तो उसमें ऑलमंड्स आ सकते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट पे। जी ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए कि पोस्ट प्रेगनेंसी ऐसा क्या ब्रेकफास्ट हो जो आपके लिए न्यूट्रिएंट रिच हो, प्रोटीन हो, हेल्दी फैट हो और आपकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करे और आपका वेट गेन ना हो। तो बात करते हैं कि आपका मेन्यू क्या होना चाहिए। आप ले सकते हैं, पहले तो हम बात करेंगे अंडे की, आप बॉइल फॉर्म में एग ले सकते हो, आप जो है ऑमलेट ले सकते हो, वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हो जिसमें आप एक मुट्ठी पालक डाल सकते हो, आप ग्रीन जो प्याज होते हैं वो डाल सकते हो, आप जिंजर डाल सकते हो। ये क्या है, वेजिटेबल्स का पोर्शन भी चला गया, प्रोटीन का भी, और आप 1 चम्मच देसी घी में उसको बना लोगे तो हेल्दी फैट भी आप में चलेगी। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, आप कोकोनट उसमें क्या यूज़ कर सकते हो, कोकोनट जो गूंद होती है, गूंद कतीरा जिसको कहते हैं, हमारी जो माएँ होती हैं और जो बड़े होते हैं वो अक्सर ये वाला जो है पंजीली टाइप में बना के देती हैं, जिसमें कशकाश जो होती है वो आप उसका लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मदर की जो है मिल्क एनहांसमेंट करवाती है, मिल्क प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाती है। तो आप उसमें कशकाश, कोकोनट, बादाम, डेट और 1 और 2 टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल करके, और आप इसको मीठा करने के लिए इसमें गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो। चीनी
चीनी और शक्कर से जो है वो आप परहेज करोगे, ये हमारा ब्रेकफास्ट के कुछ मेन्यू हो सकते हैं। इसके अलावा लंच और डिनर में, लंच में भी आप प्रोटीन का इंटेक आपका लाजमी है। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अक्सर जिन खवातीन को ब्लोटिंग का इशू हो रहा है उसके बाद, तो वो रॉ वेजिटेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, कि कच्ची सब्जी को सलाद ना इस्तेमाल करें, लेकिन मेक श्योर डेली एक कप जो है वो आप एक प्याली रॉ नहीं तो कुक्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब उसमें कौन सी वेजिटेबल्स इस्तेमाल हमने ज़्यादा करनी है कि जिसमें हमारी न्यूट्रिएंट की, कैल्शियम की, आयरन की नीड भी पूरी होती रहे और जो है हमारी वेजिटेबल्स की कंजप्शन भी हो जाए, तो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। उसके अलावा प्रोटीन सोर्सेज में डेफिनेटली जो है वो आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप गोश्त का, मटन का, ठीक है। और इसी तरह जो है डिनर में भी, तो आपने ज़्यादा जो अपनी डाइट में कम किस चीज़ को करना है वो है कार्बोहाइड्रेट। बहुत ज़्यादा रोटियां नहीं खानी आपने, रोटियों का और चावलों का, इस चीज़ों का कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम होना चाहिए, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। अब हम कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी कि आपका 6 मंथ में 1 kg ऑलमोस्ट आपका हर मंथ में लूज होता जाए और आपको न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को उसी मिकदार में मिले जिसकी आपको ज़रूरत है। तो पहला जो है, फिक्स योर मील टाइमिंग। आपने अपने मील की जो टाइमिंग है ना उसको फिक्स कर लेना है, ठीक है। जैसे कि बाद में बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं तो मील की कोई टाइमिंग नहीं होती, जब हुआ दिल खा लिया और बहुत ज़्यादा खा लिया, तो इससे भी जो है वेट गेन की तरफ जो है वो खवातीन जाती हैं। तो आपने मेक श्योर कि आपके जो खाने का टाइम है ना वो फिक्स होना चाहिए। सेकंड, आपने तब खाना है जब आपको भूख हो, आपने तब खाना खाना है जब आपको अच्छे से भूख लग जाए, और वो जो है आप तब अपना जो भी मील है, जैसे कि मैंने आपको गाइड किया है कि वो कैसा होना चाहिए, तब आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। एंड द थर्ड इज़ योर स्लीप। आपकी जो नींद है ना वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, आप अपनी स्लीप का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, अपनी नींद को अच्छे से आप उसको पूरा करें, ताकि जो आपका बाकी भी एक स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ऑल डैट, जब तक अच्छी स्लीप नहीं होगी, अच्छी डाइट नहीं होगी, आप इस सीक्वेंस नहीं चलेंगे, तब तक ये सारे मसले आते रहेंगे और जो है वेट भी बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, डेफिनेटली आप पहले 6 मंथ तक कोई जो एक हैवी एक्सरसाइज है वो रिकमेंड नहीं की जाती, लेकिन हल्का फुल्का जो है स्ट्रेचिंग आप अपनी बॉडी को दे सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है, और इससे भी आपका वेट जो है वो कम होता जाएगा। तो इन सारे स्टेप से जो है आप अपना वेट जो है वो हर मंथ 1-2 kg लूज़ करते जाएंगे, और इस डाइट के साथ न्यूट्रिएंट और जो हेल्थ को है वो बेटर करते जाएंगे अपनी सेहत के लिए। एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि जैसा कि कुछ खवातीन को, काफ़ी खवातीन को फेस करने पड़ता है ब्लॉटिंग का इशू, ठीक है, उनके लिए क्या है, आप क्या करेंगे, आप रात को अजवाइन जो है वो पानी में भिगो कर रख दीजिए, ओवरनाइट आप इसको सॉक करेंगे, सुबह जब आप उठें तो उसको, उस पानी को बॉयल करें, लेकिन आपने उसमें और क्या चीज़ें ऐड करनी है, जिंजर और मिंट, इन सब चीज़ों को बॉयल करें पानी में अच्छे से बॉयल करके। ये आप जो ये पानी है ये आप सारे दिन में अपने मील्स के हाफ एन आवर इसको कंज्यूम करें, आपका ब्लॉटिंग का इशू भी सॉर्ट आउट करेगा, और जो है आपके आप में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और आपका वेट कम नहीं हो रहा, इन सारे स्टेप के बावजूद भी उसमें हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।